नमस्कार दोस्तों, देवदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको देवदर्शन में दर्शन कराने वाले हैं केदारनाथ धाम के। विधि विधान के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट। मेष लग्न में भगवान केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। इसके बाद अगले 6 महीनों तक बाबा केदार की पूजा अर्चना धाम में ही होगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के समय पूजा में पुजारी समेत सिर्फ 16 लोग ही शामिल हुए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, ताकि 3 बजे से मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो। मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग द्वारा बाबा की समाधि पूजा के साथ अन्य सभी औपचारिकताएं भी पूरी की गयी। इसके बाद तय समय पर सुबह 6:10 में केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस बार मंदिर में प्रथम पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ ग्रीष्मकाल की 6 माह केदारपुरी में भक्तों को दर्शन देते हैं। बीते वर्ष तक कपाट खुलने के मौके पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार यात्रा पर प्रतिबंध है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत धाम में भीड़ भी इकट्ठा नहीं की जा सकती। इसी को देखते हुए प्रशासन ने डोली यात्रा के साथ सिर्फ 16 लोगों को ही केदारनाथ जाने की अनुमति दी, जबकि बीते वर्ष कपाट खुलने के मौके पर 10,000 से अधिक भक्तों ने बाबा के दर्शन किए थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाने पर सभी श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा, बाबा केदार हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा केदार के आशीर्वाद से हम सब कोरोना की इस वैश्विक महामारी को हराने में अवश्य कामयाब होंगे। कोरोना के कारण इस बार आम जनमानस दर्शन के लिए नहीं आ सके। हम सभी के मन में बाबा केदार के लिए अपार श्रद्धा है। बाबा केदार अपने भक्तों पर स्नेह बनाए रखे, यही कामना है। और इसी के साथ हम सभी भी आप लोगों से अपील करते हैं कि अपने घर पर रहें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। तो हेश भट्ट के साथ नक्षी साकी रिपोर्ट। भैरव भैरव।